तो दोस्तों, जिस तरह आप सभी को पता है कि आसिफ खेड़ा खलीलपुर के हत्याकांड को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है, उसी को लेकर नूह जिला के गांव खेड़ा खलीलपुर में आसिफ हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी को लेकर रविवार को इलाके के मौजूद लोगों ने किरी गांव की गौशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें 35 बिरादरी के लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे। पंचायत में पहुँचे लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जमकर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई गलत कार्रवाई पर आग उगलते हुए कहा कि पुलिस ने एक समुदाय द्वारा सड़क पर लगाए गए जाम के दबाव में आकर निर्दोष लोगों को हत्या के जैसे संगीन आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इससे ज़्यादा निंदनीय कोई बात पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं हो सकती। पंचायत में पहुँचे सोना व्यापारी मंडल संघ के प्रधान मनोज बजरंगी ने कहा है कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से व्यापारी वर्ग में भारी रोष है। उन्होंने कहा है कि 30 मई को होने वाली महापंचायत में व्यापारी वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो निर्णय महापंचायत में लिया जाएगा उस निर्णय पर व्यापारी वर्ग खरा उतरेगा। इलाके के सभी सरपंचों ने एकजुटता का परिचय देते हुए पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि पंचायत में एक बहुत बड़ी महापंचायत करने का निर्णय लिया गया है। यह पंचायत न्याय के लिए होगी। उन्होंने कहा है कि पंचों का काम होता है कि निर्दोष को छुड़ाया जाए और दोषी को सजा दी जाए, इसलिए महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी तो ये राय कि अगर वे जो 6 आरोपी गिरफ्तार करे हैं और जो जेल भेज दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी निर्दोष है तो उसको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए और उसे रिहा किया जाए। पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही गुहार है कि निर्दोषों को छोड़ा जाए और दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल भेज दिया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।